बाड़मेर के हमीरपुरा से शुक्रवार को माता रानी भटियाणी की जन्मस्थली जोगीदास धाम के लिए पैदल यात्रा संघ रवाना हुआ। इस माता रानी भटियाणी पैदल में बड़ी संख्या में महिला व पुरुष श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। हमीरपुरा मठ से पूजा अर्चना के बाद इस संघ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ रवाना हुआ यह पैदल यात्रा संघ 11 अगस्त को जोगीदास धाम पहुंचेगा, जहां दर्शन पूजन करेगा। बाड़मेर के हमीरपुरा से शुक्रवार को माता रानी भटियाणी के जन्मस्थली जोगीदास धाम के लिए पैदल यात्रा संघ रवाना हुआ। इस माता रानी भटियाणी पैदल में बड़ी संख्या में महिला व पुरुष श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। हमीरपुरा मठ से पूजा अर्चना के बाद इस संघ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ रवाना हुआ यह पैदल यात्रा संघ 11 अगस्त को जोगीदास धाम पहुंचेगा, जहां मां के दर्शन पूजन करेगा। संघ की रवानगी से पूर्व हमीरपुरा चौक से विधिवत रूप से माता रानी भटियाणी की आरती की गई। इस दौरान उपस्थित अतिथियों ने माता जी के रथ के दर्शन कर सभी पैदल श्रद्धालुओं के मंगलमय यात्रा की कामना की। यह पैदल संघ बाड़मेर से भाटका शिव होते हुए 3 दिन की पदयात्रा कर आगामी 11 अगस्त को जोगीदास धाम पहुंचकर माता रानी भटियाणी के दर्शन करेगा। रवानगी के दौरान भक्तों ने चालो चालो माजीसा धाम माजीसा तेरी जय बोलेंगे जयकारों के साथ डीजे की धुन के साथ नाचते गाते हुए माहौल को भक्तिमय बना दिया। संघ की रवानगी के समय माता रानी भटियाणी की प्रतिमा से सजे रथ को देखने के लिए श्रद्धालुओं की नज़रें काफ़ी समय तक टिकी रही। वहीं भजनों की मधुर धुन के साथ श्रद्धालुओं ने नाचते गाते व झूमते हुए जोगीदास धाम की ओर प्रस्थान किया। शुक्रवार को रवाना हुआ यह पैदल संघ अपनी 3 दिवसीय पैदल यात्रा पूरी कर 11 अगस्त को जोगीदास धाम पहुंचेगा, जहां माता रानी भटियाणी के जन्मस्थली पहुंचकर मां के दरबार में भोग लगाकर अमन चैन की कामना करेगा। संघ में बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु शामिल रहे।